दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो 100% आपके दिल को छू जाएगा। और ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो रहा है, जिससे हजारों लोग पर डे परेशान होता है। और ये किरणपुल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसे टॉपिक पर वीडियो अपलोड करता हूं जिससे सभी का हेल्प होता है और सभी के प्रॉब्लम सॉल्व होता है। दोस्तों, अभी के टाइम में किरणपुल में फर्स्ट टर्न का कितना प्रॉब्लम चल रहा है वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। सिंगापुर एंड न्यूयॉर्क में फर्स्ट टर्न लाना कितना मुश्किल है इसके बारे में आपको बताना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी मेहनत से छोटे छोटे टेबल में गेम प्ले करके कॉइन कलेक्ट करते हैं और सिंगापुर में गेम प्ले लगाते हैं। काफी सारे लोग सिंगापुर का गोल्डन चेस्ट लाने के लिए गेम प्ले करते हैं, जिससे उसके आईडी में माया तूफान अनलॉक हो सके, या बहुत सारे लोग टोटल विनिंग बढ़ाने के लिए या लीडर बोर्ड में रैंकिंग पाने के लिए सिंगापुर टेबल में गेम प्ले करते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे रीजन है जिससे लोग सिंगापुर टेबल में गेम प्ले लगाते हैं। तो उसमें फर्स्ट टर्न का प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ा प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर पहले बात करते हैं। तो जैसे ही आप सिंगापुर के टेबल में गेम प्ले लगाएंगे तो टर्न ओपोनेंट के पास चला जाता है। तो आप ये सोच के फिर से सिंगापुर टेबल में गेम प्ले लगाते हैं कि इस बार मेरे पास टर्न आएगा, लेकिन फिर भी टर्न नहीं आता। तो फिर से आप सिंगापुर टेबल में गेम प्ले लगाते हैं कि इस बार पक्का टर्न मेरे पास आएगा, लेकिन फिर से टर्न ओपोनेंट के पास चला जाता है। तो इस बार ये उम्मीद रहता है कि पक्का इस बार टर्न मेरे पास आ ही जाएगा। तो इस बार आपके पास टर्न आता जरूर है, लेकिन मैच रिडायरेक्ट होकर मुंबई अरेना या दुबई में लग जाता है। उसके बाद मूड का यही हाल हो जाता है। जब आपका टर्न आने का टाइम आता है तो 10 लाख से सीधा 20,000 वाले टेबल में मैच रिडायरेक्ट हो जाता है। सिंगापुर टेबल में 3-4 बार ओपोनेंट के पास टर्न जाने के बाद 15-20 लाख कॉइन वेस्ट करने के बाद जब मैच छोटे टेबल में ट्रांसफ़र हो जाता है तो दोस्तों उस टाइम इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि आप बता नहीं सकते। तो दोस्तों, मैं मिनी क्लिप से ये कहना चाहूँगा कि 3-4 बार टर्न ओपोनेंट के पास जाने के बाद फिर से टर्न ओपोनेंट के पास ही चला जाए ये सही है, लेकिन मैच रिडायरेक्ट होकर छोटे टेबल में नहीं जाना चाहिए। अगर सिंगापुर टेबल में प्लेयर्स नहीं है तो गेम से बाहर कर देना चाहिए या सिंगापुर टेबल में ही गेम प्ले लगना चाहिए। किरणपुल के सर्वर में ये चेंजिंग होना ही चाहिए। मेरे इस बात से आप लोग कितना एग्री करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही बड़ा ग्लिच है और इसको आप बहुत ही बड़ा ग्लिच मान सकते हैं किरणपुल के अंदर, जिससे पर डे हज़ारों लोगों का कॉइन बर्बाद होता है और पर डे हज़ारों लोगों का मूड ऑफ होता है। इस ग्लिच का सोल्यूशन होना चाहिए। बाकी सिंगापुर में फर्स्ट टर्न का 100% वर्किंग ट्रिक के ऊपर जल्द ही वीडियो अपलोड होने वाला है, जिसका डेमो आप लोग देख सकते हैं। फुल डिटेल्स वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी कल है 1 अप्रैल, एनवरी सीजन का कैरम पास आने वाला है। अगर आप लोग कैरम पास काफ़ी लो प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 100% ट्रस्ट के साथ आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी था जो आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।